साथ बदलते भारत की शान। हेलो एवरीवन, मैं मुक्ता त्यागी, मेरे छोटे से बगीचे में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दिवाली हमारे बहुत करीब है। सभी लोग दिवाली की तैयारी में अभी से लगे हैं। हम लोग सभी लोग अपनी कोई छत को, बालकनी को, गार्डन को बहुत अच्छे से डेकोरेट करता है हर कोई, और अलग अलग तरीके की चीज़ें हम परचेज करके लेके आते हैं मार्केट से अपने घर को सुंदर सा सजाने के लिए। तो हम लोग कोशिश करें कि अगर हम इको फ्रेंडली चीज़ें अपने घर में लेके आए तो वो सभी के लिए बहुत अच्छा होगा, पॉल्यूशन नहीं होगा। तो मैंने अपने घर के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी बनाई हैं जो कि इको फ्रेंडली है। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने गणपति जी बनाए हैं, कुछ चीज़ें हमने मोल्ड में भी क्रिएट की हैं जो कि मिट्टी से क्रिएट की हैं। लक्ष्मी गणपति जी, उनका हम पूजन करते हैं, सभी घर में होता है, विघ्नहर्ता होते हैं। एक छोटी सी ट्रे हमने क्रिएट की है यहाँ पे, इसमें भी हमने कुछ गार्डन से भी रिलेटेड चीज़ें हैं, पेबल्स हमने दिए हैं इसमें, एंड हमने गणपति जी भी मिट्टी से बना के इसमें छोटे से गणपति जी को भी विराजमान किया है। हमने दुर्गा माँ को भी एक मोल्ड में बना के क्रिएट किया हुआ है, वो भी इको फ्रेंडली है। छोटे से हमने लक्ष्मी गणपति जी भी बनाए हुए हैं, मोल्ड में बनाए हैं। ये आप अपने घर में पूजा मंदिर में भी रख सकते हैं और किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। जैसे आपके घर में कोई गेस्ट आते हैं, उनको आप ये वाली ट्रे गिफ्ट भी कर सकते हैं, या आप अपना कोई भी एक प्यारा सा कॉर्नर आप क्रिएट कर सकते हैं। और जब आप खुद से कोई चीज़ बनाते हैं तो उससे आप वैसे भी इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं। जैसा कि अभी आप सबने देखा कि हम इको फ्रेंडली चीज़ें कैसे अपने घर में बना सकते हैं, गणपति जी, लक्ष्मी जी, कोई गार्डन ट्रे आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बनाना सीखते हैं कि हम गणपति जी मिट्टी से कैसे बनाएंगे। मैंने सभी सामान अपने साथ में रखा हुआ है। गणपति जी बनाने के लिए हमें मिट्टी चाहिए। मिट्टी मैंने पहले से तैयार करके रखी हुई है, लेकिन फिर भी चिकनी मिट्टी के को कैसे क्रिएट करना है, इसमें कैसे पानी है, कितना हमें डो बनाने के लिए इसमें कितना पानी ऐड ऑन करना है, वो अभी हम आगे सीखेंगे। क्या क्या हमें टूल्स चाहिए, ब्रशेस चाहिए, हमें नाइफ चाहिए, एक खाली पेन की रिफ़िल चाहिए, हमें कुछ कलर्स भी चाहिए। अगर वो आपकी चॉइस है कि आप उसको कलर करना चाहते हैं तो आप कलर कर सकते हैं। एक चीज़ जो सबसे खास बात है जो आप सबको बताना चाहती हूँ, आप गणपति जी इको फ्रेंडली बनाने के साथ साथ में आप उसमें सीड्स भी लगा सकते हैं। जो लोग जैसे कि गणपति जी बनाए देना, आप उसको विसर्जन अगर करने जाएंगे तो सीड्स उसमें डालेंगे तो सीड कहीं ना कहीं जाके, जहाँ प्रवाह जैसे जैसे जल प्रवाह चलता जाएगा, कहीं ना कहीं जाके सीड अपना पौधा उसमें से निकल सकता है। पीएनबी किसान क्रेडिट कार्ड का रिन्यूअल हुआ आसान। बस फोन से घर बैठे एसएमएस, मिस्ड कॉल या ओआईवीआर के जरिए तुरंत पाइए समाधान, या फिर पीएनबी की वेबसाइट पर केसीसी डिजिटल रिन्यूअल पर जाइए और ओटीपी से अपना अकाउंट वेरीफाई करें। बस हो गया आपका केसीसी रिन्यू, है ना आसान। पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
जल्दी जल्दी पैसे डबल। ओ, जमा करोगे तो फिर भुगतोगे। चलो, ऐसी लुभाने वाली स्कीम में पैसे जमा करना यानी धोखे की संभावना, इसलिए पहले पूरी जांच उसके बाद पैसे जमा, नहीं तो आपके पैसे हो जाएंगे। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आइए अब हम बनाते हैं मिट्टी से गणपति जी सीड्स के साथ में। तो हम एक कोई भी बर्तन लेंगे या फिर आप कोई ट्रे ले सकते हैं, कोई प्लेट ले सकते हैं। मैंने ये मिट्टी का उड़ली ली है। इसमें थोड़ी सी हम मिट्टी लेंगे, जितना आपको लगता है कि आपको किस साइज के गणपति जी बनाने हैं उतनी आप मिट्टी ले सकते हैं। मिट्टी बहुत फाइन टेक्सचर वाली होनी चाहिए। चिकनी मिट्टी मैंने ली है जो कि नदी में मिल जाती है, ईजीली आपको बहुत अच्छी मिट्टी मिल जाएगी। इसमें पानी मिक्स करेंगे, एक बहुत स्मूथ टेक्सचर का हमें डो तैयार करना है गणपति जी बनाने के लिए। मिट्टी में पानी डाल के एक डो तैयार करेंगे, देन इसके बाद में इसको थोड़ी देर के लिए, करीबन एक घंटे के लिए, एक स्मूथ टेक्सचर लेने के लिए इसको रख देंगे। अभी ये इतना हो गया है, इसको अब मुझे करीबन एक घंटे के लिए साइड में रख देना है ढक के। तो ये सब टाइम सेविंग के लिए मैंने पहले से ही थोड़ी सी मिट्टी अपनी तैयार करके रखी हुई है। मैंने इसको एक शीट में कवर कर दिया ताकि इसका टेक्सचर बहुत स्मूथ बना रहे। हम उतनी ही मिट्टी निकालेंगे जितने का हमें यूज़ करना है। जैसे छोटा पार्ट, अभी मैं सबसे पहले गणपति जी की चौकी बनाऊंगी, सेम गणपति जी हम बनाएंगे। थोड़ा सा पानी भी हमें चाहिए होगा हाथ पे लगाने के लिए। सबसे पहले हम चौकी बनाएंगे, तो चौकी के लिए जितनी लगता है कि हमें कितनी मिट्टी लगेगी, कितनी साइज़ की आपको बनानी है, उतनी मिट्टी लेके और इसको फिर से हम ढक के रख देंगे। बहुत अच्छा टेक्सचर बन जाता है जब मिट्टी को आप जितना ज़्यादा देर के लिए रखेंगे उतनी ही अच्छी आपकी आर्ट आएगी बनके। आप चौकी गोल, चौकोर, कोई भी शेप एंड साइज में बना सकते हैं। इसको शेप देने के लिए मैं नाइफ से कट कर दूंगी। अब इसको और ज़्यादा स्मूथ करने के लिए, बहुत फाइन टेक्सचर के लिए हम पानी का यूज़ करेंगे। ये हमारी चौकी तैयार हो गई है। मैंने ये पेन की रिफिल की हेल्प लेके मैं एक ये डिज़ाइन इसमें बनाऊंगी। अब हम गणपति जी के पैर बनाएंगे। गणपति जी के पैर थोड़े छोटे थे उनके बाकी शरीर की संरचना को देखते हुए। ये हम उनका राइट लेग बनाएंगे पहले। पैर की शेप देंगे, हाथ से ही आप इसको थोड़ा सा बैंड कर सकते हैं। स्मूथ टेक्सचर के लिए फिर से पानी का यूज़ करेंगे और हाथ से ऐसे करेंगे। आप इसको हाथ से भी कर सकते हो, और हाथ से अगर प्रॉब्लम आ रही है करने में आपको, तो फिर आप इसको ब्रश का यूज़ भी कर सकते हैं। ब्रश आप कोई भी ले सकते हैं, फ्लैट ब्रश ले सकते हैं या राउंड ब्रश भी चल जाएगा, लेकिन छोटे साइज़ में। अब इस पे फिंगर को शेप देने के लिए हम नाइफ लेंगे और कट करेंगे। बहुत हल्का हल्का सॉफ्टली कट देना है। अब हम ये उनका बायां पैर बनाएंगे। बायां पैर बनाने के लिए थोड़ा सा ऐसे ये दाहिने पैर के ऊपर आएगा, तो आगे से इसको थोड़ा सा ऐसे शेप देंगे। फिर से वही करेंगे, थोड़ा सा पानी लगा के स्मूथ करेंगे। अब ब्रश की हेल्प लेंगे, बहुत सॉफ्टली वर्क करना है, बहुत सॉफ्टली, क्योंकि मिट्टी है, जैसा आप प्रेशर देंगे हाथ से वैसा ही उसका एक शेप आएगी। अब हम गणपति जी की धोती बनाएंगे। मिट्टी ली, फ्लैट करना है,
जितना पतला आप कर सकते हो उतना पतला करना है, थोड़ा सा कट करेंगे और उनके घुटने पे अटैच करते हुए इस तरह से थोड़ा सा बीच में कट करके कंप्लीट करेंगे। आप इसमें ब्रश और नाइफ की हेल्प ले सकते हैं बीच बीच में, बिल्कुल ऐसा इफेक्ट देना है जैसे कि वाकई में उन्होंने कपड़े पहने हुए हैं, बिल्कुल चिपकाना नहीं है। हम लोग बाहर देखते हैं बाजार में गणपति जी बहुत कलरफुल कपड़े में होते हैं, येलो रेड बहुत ब्राइट कलर में, तो जब ये ड्राई हो जाए तो आप इनमें कलर भी कर सकते हैं। ये देखिए ये गणपति जी के पैर, चौकी और धोती इस तरह से लुक आया। ये हमारा एक बेस तैयार हो गया है। देन इसके आगे अभी धोती और पैर बन गए हैं। अब गणपति जी ज्वेलरी भी पहनते थे तो सबसे पहले उनके हम पैर के कड़े बनाएंगे। बहुत थोड़ी सी मिट्टी लेनी है, बहुत थोड़ी, तो रोल करना है। रोल करेंगे, बहुत सॉफ्टली रोल करेंगे और अटैच कर देंगे ये पैर के कड़े का डिजाइन बनाया है। अब हम गणपति जी का पेट बनाएंगे। हल्का सा मिट्टी से मिट्टी पे चिपकाने के लिए भी हम थोड़ा पानी लगा देते हैं ताकि वो उस पर अच्छे से जाके पेस्ट हो जाए। ये गणपति जी का पेट हो गया है। अब हम गणपति जी का अपर पार्ट बनाएंगे। ये अपर पार्ट तैयार हो गया गणपति जी का। अब हम गणपति जी के हाथ बनाएंगे। थोड़ा ये करके पहले हम उनका दाहिना हाथ बनाएंगे। आशीर्वाद वाले शेप में हाथ को एक शेप देनी है और इसको कनेक्ट कर देना है अपर बॉडी पार्ट से। अब इस पे हम बायां हाथ बनाएंगे। इस हाथ में हम इस तरह से बनाएंगे कि हमें मोदक गणपति जी के हाथ में देना है। अब हम गणपति जी का सर बनाएंगे। मिट्टी लेंगे जितनी ज़रूरत है और उसको अच्छे से गोल करेंगे। अब हम इनका माला बनाएंगे। आइए अब देखते हैं सर के साथ में माला इस तरह से आपको कनेक्ट कर देनी है। वो पीछे भी एक बार चेक कर लेना है कि अच्छे से वो जॉइंट हुआ है कि नहीं हुआ है। कान लग के शेप ऐसी आ गई है। अब हम गणपति जी की सूंड बनाएंगे इस तरह से। ये शेप सूंड बन चुकी है। अब हम गणपति जी की आंखें बनाएंगे। ये देखिए छोटी छोटी सी मैंने आंखें बना दी है। पेन की हेल्प से आप यहाँ पे डॉट करके आईबॉल क्रिएट कर सकते हो। अब हम गणपति जी के मुकुट बनाएंगे और कनेक्ट करेंगे। मुकुट में ही मैं गणपति जी के सीड्स भी लगाऊंगी जो कि बहुत अच्छा है। अगर आप इनको जल में प्रवाह नदी में या कहीं जाके नहीं करना चाहते हैं, आप अपने घर में भी कर सकते हैं जो कि बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप अपनी बनाई हुई चीज़ को अपने घर में रखिए। आप इनको गमले में लगा के अगर डेली उसमें पानी देते हैं तो इसमें से पौधा आएगा, तो आपको वैसे भी बहुत खुशी होगी कि आपकी बनाई हुई चीज़ ग्रो कर रही है। अब हम गणपति जी के दांत लगाएंगे, थोड़ा सा पानी लेंगे और दांत लगाएंगे।
गणपति जी तैयार है। सफर नई सोच का, सफर देश की बदलती तस्वीर का, सफर युवा किसानों का जो कृषि जगत को दे रहे नए आयाम। कृषि स्टार्टअप जल्द आ रहा है सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। मैं सीड बॉम्ब्स बनाऊंगी। ये आजकल लोग प्लांटेशन को लेके बहुत जागरूक हो गए हैं, तो आज ये एक नया फॉर्म ऑफ प्लांटेशन हम ट्राई करेंगे। इसमें हम जैसे हमने अभी गणेश जी और लक्ष्मी जी बनानी सीखी, उसी तरीके से हम मिट्टी को लेके उसमें सीड्स लगा के अलग अलग शेप, जैसे अगर मोदक की शेप है, मोदक की शेप, लड्डू की शेप, फ्लावर, या आप अपनी क्रिएटिविटी से कुछ भी बना सकते हैं। ये एक आर्ट प्रोजेक्ट की तरह आप कर सकते हैं। एंड इसे लेके जब भी बारिश का मौसम होता है, आप मिट्टी में ओपन कोई भी एरिया है वहाँ पर आप इसे फेंकिए, और बारिश के मौसम में बारिश से ये सीड्स धीरे धीरे करके जर्मिनेट करेंगे। और अगर आप फ्लैट्स या अपार्टमेंट्स जैसी जगह में रहते हैं, तो आप अपनी बालकनी में एक पॉट लेके उसमें ये सीड बॉम्ब रखेंगे एंड उसमें पानी डालेंगे, तो ये प्लांट ग्रो करेगा। आइए देखते हैं कि हम गणेश जी के लिए मोदक और लड्डू कैसे बनाते हैं। तो अब मैं मिट्टी लूँगी, मिट्टी लेके हम लोग बाकी को कवर कर लेंगे। ये सिर्फ मिट्टी और पानी का मिक्सचर है, और इसमें हम वेदर के हिसाब से सीड्स ऐड कर सकते हैं, या जैसे आपको किचन गार्डन बनाना है तो आप ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसमें धनिया के सीड्स ऐड करूँगी। ये धनिया के सीड्स हैं, इसे इसमें ऐड ऐसे कर देंगे। इसमें आप लगा के इसको एक बारी अच्छे से रोल कर लीजिए। रोल करके, और अगर आपको लगे ज़रूरत है तो ऐड कर लीजिए। इसे रोल करके एक बड़ी प्लेट बनाएंगे। अब जैसे मुझे इसमें लग रहा है मिट्टी कम है, तो मैं एक्स्ट्रा ऐड कर सकती हूँ, क्योंकि अभी ये एक सॉफ्ट स्टेज पे है। ये बॉल्स बहुत ही अच्छी चीज़ है, बिकॉज लोग जैसे आजकल आपके कोई जान पहचान के लोग हैं, तो आप उन्हें दे सकते हैं, उन्हें बताइए कि ये इनका क्या यूज़ है और इन्हें कैसे यूज़ करना है। और ये इतनी आसान है बनानी और प्लांट करने के लिए, कि कोई छोटे बच्चे को भी आप देंगे तो वो आराम से अपने खुद का प्लांट उगा के खुश हो सकते हैं। तो जैसे अब ये मैंने इधर प्लेस करी, और प्लेस करके मैं इसे फ्लैटन कर दूंगी। मिट्टी के अंदर आप क्ले थोड़ी सी डाल सकते हैं, और क्ले के साथ थोड़ा सा अगर आपको प्लांटेशन के लिए और अच्छा सॉइल चाहिए, तो आप इसमें थोड़ा कोकोपीट डाल सकते हैं। तो ये हमने प्लेट अच्छे से बना ली है बड़ी। आपको लगता है ज़्यादा ज़रूरत, ज़्यादा बड़ी प्लेट चाहिए, तो इसे और आप प्रेस कर सकते हैं। तो अब हम लड्डू और मोदक बनाएंगे। कॉर्नर्स आराम से ऐसे स्मूथ कर सकते हैं आप लोग। तो अब कॉर्नर्स स्मूथ हो गए हैं, तो हमारी प्लेट रेडी है। अब हम लड्डू और मोदक प्रिपेयर करेंगे। उसके लिए हमें थोड़ी सी ही मिट्टी चाहिए। मिट्टी लेके हम उसमें कोई दूसरा सीड डाल सकते हैं, जैसे इसमें मैं गाजर के बीज डाल रही हूँ। तो ये लेके इसे अच्छे से इवनली स्प्रेड करेंगे और बॉल बना देंगे उसकी। लड्डू बनाना बहुत ही सिंपल है, आपको बस एक बॉल की शेप बनानी है और हमारे लड्डू तैयार हो जाएंगे। उसे अच्छे से स्मूथ कर दीजिए, और इन्हें यूजुअली ड्राई करने में 24 आवर्स लगते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका ज़्यादा पानी लग गया है थोड़ा सॉइल में और टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो उसे आप 48 आवर्स तक छोड़ दीजिए एंड वो परफेक्टली रेडी हो जाएगी। इन्हें बनाना बहुत ही सिंपल है। इसे रखा हमने, तो ये हमारा एक लड्डू तैयार है।
अब हम एक और लड्डू बनाएंगे मूली के बीज के साथ। एक बारी आपको ये देख के करना पड़ेगा कि सब सिमिलर साइज के हो। तो ये मूली के बीज हम लेंगे और इसके अंदर लगाएंगे इस तरह से। ये लगा के आप वापस जैसे हमने पहले लड्डू के साथ किया था, इसे गोल गोल घुमा के एक लड्डू की शेप में लेके आएंगे। ये जब ड्राई हो जाएंगे तो हम इसे अच्छे से इस प्लेट पे प्लेस करके भगवान के सामने दे सकते हैं, या अगर हमें खुद सजाने के लिए कहीं लगाना है तो हम और शेप्स भी बना सकते हैं। जैसे आपको कोई आर्ट पीस बनाना है, या आपको कोई पॉट या दिया बनाना है तो वो बना सकते हैं। दिया बनाना बहुत ही अच्छा आइडिया है, क्योंकि आप दिया बना के हम यूजुअली उसे फेंकते ही हैं। वो मिट्टी के जो दिए होते हैं हम उन्हें फेंकते हैं, तो उनमें हम बीज क्यों नहीं लगाते। बीज लगाने से और पेड़ उगेंगे। और हम लोग तो एक और लड्डू बनाएंगे। एक और लड्डू में हम मटर के बीज रखेंगे। तो इसमें हमने 5 मटर के बीज लगा दिए हैं। अब इसे हम गोल गोल घुमाएंगे लड्डू बनाने के लिए। जो बड़े बीज होते हैं उनका आप ध्यान रखें कि वो अंदर की तरफ ही रहें, बाहर ना रहें, क्योंकि अगर वो बाहर की तरफ रहेंगे तो आपके लड्डू टूटने का और सूखने के बाद क्रैक होने का चांस ज़्यादा है। और उन्हें बहुत ही आराम से लड्डू के फॉर्म में लाए। ये करने के बाद हमारे तीनों लड्डू तैयार हैं। लड्डू को अगर आपको और सुंदर बनाना है तो जो छोटे बीज हैं आप वो 1-2 बीज ऊपर से भी लगा सकते हैं। जैसे ये धनिया के बीज हैं तो हमने ये ऊपर से थोड़े से लगा दिए, या और ये गाजर के बीज भी ऊपर से थोड़े बहुत लगा सकते हैं। ये लड्डू तैयार हैं। अब हम मोदक बनाएंगे। मोदक बनाने के लिए हम थोड़ी सी मिट्टी लेंगे, और बहुत सारे तरह के मोदक होते हैं तो आप अपने तरीके से बना सकते हैं। तो मैं इस वाले मोदक के लिए मेथी के बीज ले रही हूँ। मैं थोड़ी मिट्टी और ले रही हूँ, और मोदक के और मेथी के यहाँ पे बीज है। बीज अंदर भरने के बाद इसे हम मोदक की शेप में लाएंगे। इसे पहले थोड़ा सा राउंड शेप में लाके फिर उसके ऊपर मोदक में जैसे एक चोच टाइप होती है ऊपर, वैसी लाएंगे। ये देखिए, ये हमारा मोदक तैयार है। जो बहुत छोटे छोटे बीज हैं उसे आप ध्यान रख के अंदर करिए, वरना जब आप उसे रोल करेंगे तो सारे बीज बाहर निकल जाएंगे। तो जैसे आप देख रहे हैं मैंने इसे अंदर प्रेस कर दिया है। प्रेस करने के बाद इसको हम वापस थोड़ा सा सर्कल में बनाएंगे, एक लड्डू की तरह बनाएंगे, और वो करने के बाद मोदक की शेप में लाएंगे। ये फिर हम वापस जैसे हमने पहले मोदक के साथ किया था, इसको एक चोच टाइप देंगे और मोदक के फॉर्म में ले आएंगे। और ऊपर से सजाने के लिए थोड़े सरसों के बीज रखेंगे। तो हमारी मिठाइयाँ और गणेश जी तैयार हैं। तो हमने आज ये समझा कि मिट्टी, बीज और पानी लेके इन सब से हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। हमारा पुराना कल्चर इतना रिच और इतना अच्छा था कि उसकी चीज़ें आज तक भी हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है, और उसकी अच्छी अच्छी चीज़ें सीख के हमें वो रेगुलरली करनी चाहिए। ये इतना सिंपल सा मेथड, इतनी सिंपल सी चीज़ें करके हम अपनी एनवायरनमेंट को और अपने लिए ये इकोसिस्टम और बेटर कर रहे हैं। हमारा गार्डन इतना सुंदर बन जाता है। हमारी छोटी छोटी चीज़ जो हम हर रोज़ करते हैं उससे इतना इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है। तो इसी बात पे आप सबको एक बहुत शुभ और इको फ्रेंडली दीपावली रहे।